नमस्कार, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे पानीपत की पहली लड़ाई के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। पानीपत में तीन ऐतिहासिक लड़ाइयां हुई। पहली लड़ाई 1526 पानीपत का प्रथम युद्ध, दूसरी लड़ाई 1556 पानीपत का द्वितीय युद्ध, तीसरी लड़ाई 1761 पानीपत का तृतीय युद्ध था। पानीपत का पहला युद्ध उत्तरी भारत में लड़ा गया था और इसने इस इलाके में मुगल साम्राज्य की नींव रखी। यह उन पहली लड़ाइयों में से एक थी जिसमें बारूद, आग्नेयास्त्र और मैदानी तोपखाने को लड़ाई में शामिल किया गया था। युद्ध को 21 अप्रैल को पानीपत नामक एक छोटे से गांव के निकट लड़ा गया था जो वर्तमान भारतीय राज्य हरियाणा में स्थित है। पानीपत वो स्थान जहां 12वीं शताब्दी के बाद से उत्तर भारत के नियंत्रण को लेकर कई निर्णायक लड़ाइयां लड़ी गईं। यह युद्ध बाबर और लोधी वंश के बीच में लड़ा गया था। एक अनुमान मुताबिक बाबर की सेना में 12,000 से 25,000 के करीब सैनिक और 20 मैदानी तोपें थीं। लोधी का सेनाबल 1,30,000 के आसपास था, हालांकि इस संख्या में शिविर अनुयायियों की संख्या शामिल है, जबकि लड़ाकू सैनिकों की संख्या कुल 1,00,000 से 1,10,000 के आसपास थी। इसके साथ कम से कम युद्ध 300 हाथियों ने भी युद्ध में भाग लिया था। क्षेत्र के हिंदू राजा राजपूतों इस युद्ध में तटस्थ रहे थे, लेकिन ग्वालियर के कुछ तोमर राजपूत इब्राहिम लोधी की ओर से लड़े थे। इस वीडियो में बस इतना ही, और वीडियो के लिए सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करें।